हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं प्राचीन इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। तो चलिए स्टडी पे अपने चलते हैं। और ध्यान रखिएगा, मंडे को 4 PM हम लाइव क्लास करने वाले हैं और ये क्लास हमेशा वीकली रहेगी। तो मंडे को लाइव क्लास में ज़रूर जुड़िए। इस तरह का वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, इस चैनल पर इतिहास से संबंधित बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं और वहाँ प्लेलिस्ट क्रिएट किए गए हैं। तो प्लेलिस्ट के साथ ही वहाँ पर लिंक दिए गए हैं, लिंक के माध्यम से उन वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा आप आई बटन के माध्यम से भी इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो अगर आप NTA UGC नेट का ओल्ड पेपर देखना चाहते हैं, फर्स्ट पेपर साथ में हिस्ट्री का पेपर, तो वो भी अवेलेबल है। TGT PGT के एग्ज़ाम के ओल्ड पेपर भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो चलिए अपनी स्टडी पे आ जाते हैं अभी। और ध्यान रखिएगा, ये जो सीरीज़ चल रही है इतिहास के प्रैक्टिस सेट की, ये प्रैक्टिस सेट डी है। इसके पहले ए, बी और सी सॉल्व हो चुके हैं, उन्हें भी आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का यूज़ करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर, प्लेलिस्ट में जाकर इन्हें देख सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट डी चल रहा है और उसके साथ ये 7 पार्ट है, प्राचीन इतिहास का 7 पार्ट है। तो आ जाइए क्वेश्चन पे। शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थल निम्नलिखित में से कौन है? PGT 2016 का ये प्रश्न रहा है। तो ये था भीमबेटका, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। प्रागैतिहासिक स्थल भीमबेटका भोपाल के समीप स्थित है। इस पुरा पाषाणकालीन स्थल से अनेक चित्रित गुफाएं, शैलाश्रय, चट्टानों से बने शरण स्थल तथा अनेक प्रागैतिहासिक कलाकृतियां प्राप्त हुई हैं। भीमबेटका नर्मदा नदी घाटी में स्थित है। चित्रकला के सबसे प्राचीन साक्ष्य भीमबेटका से ही प्राप्त हुए हैं। यह पूरा पाषाणकाल से संबंधित है। तो यह किससे संबंधित है, इस पर काफ़ी प्रश्न बनता है। तो ये पूरा पाषाण काल से संबंधित है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बड़े परिमाण में लघु पाषाण उपकरणों के उत्पादन के लिए जाना जाता है? ये जाना जाता है आदमगढ़, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। UGC नेट द्वितीय प्रश्न पत्र जुलाई 2018 का ये प्रश्न रहा है। बागौर और आदमगढ़ दोनों ही मध्य पाषाण काल से संबंधित हैं। मध्य पाषाण काल का संबंध लघु पाषाण काल के उपकरणों से था, इसीलिए इसे माइक्रोलिथिक युग भी कहा जाता था। यहाँ दोनों जगह पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य भी मिलते हैं। आदमगढ़ की गुफा जो कि मध्य प्रदेश में है, यहाँ 2500 के करीब छोटे छोटे लघु पाषाण उपकरण मिलते हैं। आदमगढ़ मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद नगर से 2 किलोमीटर की दूरी पर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। आदमगढ़ की गुफाओं की आदमगढ़ की गुफाओं में की गई चित्रकारी में लघु पाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष आसानी से देखे जा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं ताम्र निधि स्थल से ज्ञात होती हैं? ताम्र निधि स्थल से जो वस्तुएं ज्ञात होती हैं वो हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका सही देख लेते हैं।
और यूजीसी नेट द्वितीय प्रश्न पत्र जुलाई 2018 के ये प्रश्न रहा है। तो यहाँ हम देख लेते हैं, ये चारों वस्तुएं ताम्र नदी स्थल से ज्ञात हुई हैं। तो कौन कौन सी वस्तुएं थी? मानव रूपी आकृतियां, एटनी छुरिका, मत्स्य भाला और चपटे पुरा कुठार। तो ये सभी के सभी यहां से प्राप्त हुए हैं। किस प्रागैतिहासिक स्थल से भारत की प्राचीनतम झोपड़ियों के प्रमाण मिले हैं? तो ये प्रमाण मिले हैं पैसरा से। झोपड़ियों की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा, पैसरा। और ये कहाँ पर है? ये बिहार में स्थित है। यूजीसी नेट तृतीय प्रश्न पत्र 2017। यहाँ मैं आपको बता दूं कि तृतीय प्रश्न पत्र जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न में पहले होते थे, तो उनके भी जो वीडियो हैं अवेलेबल है। तो नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर द्वितीय प्रश्न पत्र और तृतीय प्रश्न पत्र इतिहास के पेपर्स की स्टडी वीडियो वीडियो के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो यहाँ आ जाते हैं व्याख्या पे। पैसरा बिहार में प्राचीनतम झोपड़ियों के साक्ष्य मिले हैं। पैसरा पाषाण युग का पूरा स्थल है। इसकी खोज बिदुला जायसवाल ने 1947 में की थी। मध्य पाषाण काल के स्थल बागौर राजस्थान से भी झोपड़ियों और खंडजों द्वारा फर्शों के साक्ष्य मिले हैं। उत्तर प्रदेश के सराय नाहर से अनेक छोटी भट्टियां, एक बड़ी सामुदायिक भट्टी, झोपड़ी का फर्श और कई कब्र मिले हैं। यहीं से स्तंभ गर्त के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मध्य पाषाण युग के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो नीचे दिया हुआ है ऑप्शन, एक बार रीड कर लेते हैं। सामान्यतः लघु पाषाणिक औजार पाए गए। फिर दूसरा कहता है बागौर, लंगनाच और भीमबेटका कुछ महत्वपूर्ण स्थल है। फिर जंगली तथा पालतू पशुओं की हड्डियां पाई गई। इस काल में शैल चित्र उपलब्ध हैं। तो यहां जो हमारा उत्तर बनेगा वो सभी के सभी हो जाएगा। हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। यूजीसी नेट द्वितीय प्रश्न पत्र 2017 का ये प्रश्न रहा है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जब मध्य पाषाण के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई, जबकि सी एल कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाणिक उपकरण खोज निकाले। इसके पश्चात देश के विभिन्न भागों से इस प्रकार के लघु पाषाण उपकरण खोज निकाले गए। राजस्थान का सबसे प्रमुख स्थल भीलवाड़ा जिले में स्थित बागौर है। यहाँ 1968 से 1970 तक वी एन मिश्र ने उत्खनन कार्य करवाया। यहाँ से मध्य पाषाणकालीन उपकरण के अतिरिक्त लोह काल के उपकरण भी प्रकाश में आए। गुजरात प्रांत में स्थित लंगनाज सबसे महत्वपूर्ण पुरास्थल है, जहाँ HD सांकलिया, B सुब्बा राव, A.R. कैनेडी आदि पुराविदों द्वारा व्यापक उत्खनन करवाया गया। इस प्रकार भीमबेटका के शिलाश्रयों तथा गुफाओं से मध्य पाषाण के उपकरण प्राप्त होते हैं। यहाँ से मानव अंत्योष्टि के भी प्रमाण मिले हैं। कहाँ से? भीमबेटका की बात कर रहा है। इस गुफा की खोज 1958 ईस्वी में B.S. वड़कर ने की थी। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है, यानी इनकरेक्ट है? यूजीसी नेट पेपर 2021 का, सॉरी 20 का ये प्रश्न आया हुआ है। अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो आपको
रिमाइंड भी हो रहा होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। यूजीसी नेट द्वितीय प्रश्न पत्र 2012 का सॉरी प्रश्न है, ये रिपीट हुआ है काफी बार प्रश्न, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए देख लेते हैं इसकी व्याख्या। मध्य पाषाण काल में मानव द्वारा शिकार व खाद्य संग्रहण के साथ पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी, जबकि नवपाषाण काल में खाद्य उत्पादन किया जाने लगा था, साथ ही स्थायी मानव जीवन प्रारंभ हो गया था। तो इसमें जो हमारा सही नहीं है वो हो जाएगा मध्य पाषाण काल, शिकार और खाद्य संग्रहण, ये सही नहीं है। बाकी सभी के सभी सही है। एक बार देख लेते हैं, नवपाषाण काल में खाद्य उत्पादन होने लगा था, उच्च पुरापाषाण में शिकार और खाद्य संग्रहण था, और निम्न पुरापाषाण काल में शिकार और खाद्य संग्रहण था। निम्नलिखित में से विंध्य क्षेत्र में स्थित नवपाषाण युगीन स्थल कौन सा है? और एनटीए यूजीसी नेट तृतीय प्रश्न पत्र 2012 का ये प्रश्न है, महगढ़ा। और अभी हम जब एंशियंट की सीरीज हमने शुरू की हुई है, क्यों ये रिपीट भी हुआ है क्वेश्चन, अगर आप कंटिन्यू वीडियो देख रहे होंगे तो आपको ये रिपीट भी हुआ होगा, आपने देखा होगा। तो चलिए इसकी डिटेल देख लेते हैं। महगढ़ा नवपाषाण युगीन स्थल विंध्य क्षेत्र में स्थित है, जो यमुना नदी के किनारे इलाहाबाद शहर के दक्षिण में लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। विदित है कि इसकी खोज 1949 एवं 1951-56 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जी आर शर्मा ने की थी। हड़प्पिया स्थल से नगर योजना के अंतर्गत गढ़ी नगर का मध्य भाग एवं बाहरी भाग प्राप्त होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, कुणाल, रंगपुर, लोथल और धौलावीरा। तो इसमें पूछा गया है, अपने सही उत्तर का चयन करिए, कूट के आधार पर हमें इसका चयन करना है। तो इसमें हमारा जो उत्तर बन जाएगा वो हो जाएगा डी, और किस तरह से होता है वो भी हम देख लेते हैं। तृतीय प्रश्न पत्र 2012 का ये प्रश्न रहा है, हड़प्पिया स्थल धौलावीरा से नगर योजना के अंतर्गत गढ़ी नगर का मध्य भाग एवं बाहरी भाग प्राप्त हुआ है। धौलावीरा गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। यहाँ पे सूची एक और सूची दो दी गई है और उसे आपस में हमें सुमेलित करना है। चलिए इसे सुमेलित करते हैं। पुरापाषाण काल को हम कर देंगे चिप्पड़ पाषाण उपकरण से, मध्य पाषाण काल हो जाएगा लघु पाषाण उपकरण से, नवपाषाण काल को हम करेंगे घिसे पाषाण उपकरण से, और उच्च पुरापाषाण हो जाएगा शैल चित्र से। तो ए का हमने थर्ड लिया है, दो जगह थर्ड है। फिर उसके बाद बी का हमने फोर लिया है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो रहा है। तो ये एनटीए यूजीसी नेट का जो प्रश्न पत्र तृतीय 2013 का प्रश्न रहा है, और यहाँ आप सही उत्तर देख सकते हैं, पुरापाषाण चिप्पण पाषाण उपकरण से, मध्य पाषाण लघु पाषाण उपकरण, नव पाषाण घिसे उपकरण और उच्च पुरापाषाण शैल चित्र से। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा महापाषाणिक युगीन संस्कृति से संबंधित नहीं है, जिसका संबंध महापाषाण युगीन संस्कृति से नहीं है वो है उतनूर। ये भी नेट एग्जाम का क्वेश्चन रहा है। उतनूर से
राह का टीला पाया गया है। यह पूरा स्थल नवपाषाणिक काल से संबंधित है, अतः विकल्प डी होगा। और जो महापाषाणिक युग से संबंधित है उसे भी एक बार देख लेते हैं। चंद्रगिरी, ब्रह्मगिरी आदि छन्नलूर। भारत में पूरा पाषाणिक उपकरण सर्वप्रथम कहाँ मिले हैं? ये मिले हैं पल्लवरम में। पूरा पाषाणिक उपकरण पल्लवरम। रॉबर्ट ब्रूसफ्रूट के एक ब्रिटिश पुरातत्वविद थे जिन्होंने भारत में पुरातत्व सर्वे प्रारंभ किया। सन 1863 में उन्होंने मद्रास के पास पल्लवरम में पूरा पाषाणिक उपकरण खोजे। निम्नलिखित पूरा तत्ववेत्ताओं को उनके कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो इनको हमें क्रम में व्यवस्थित करना है। सीधे हम उत्तर पर आ जाते हैं। और ये भी बता दूं आपको, यूजीसी नेट तृतीय प्रश्न पत्र दिसंबर 2013 का ये प्रश्न रहा है। भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिगम को कहा जाता है और को माना जाता है सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसप ने अशोक के दिल्ली सिपरा अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। तो यहाँ हम पहले क्रम में इसे लगा लेते हैं। तो इसमें जो हमारा सबसे पहले आ जाएगा वो आ जाएगा जेम्स प्रिंसप, हम सबसे वन नंबर पर रखेंगे। इसके बाद हम रखेंगे जेम्स फर्गुसन को नंबर टू पे। इसके बाद हम रखेंगे एडवर्ड थॉमस को नंबर थ्री पे। और सबसे लास्ट में रख देंगे अलेक्जेंडर कनिंघम को। फिर से देख लेते हैं, जेम्स प्रिंसप, जेम्स फर्गुसन, फिर एडवर्ड थॉमस और अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लेवा तकनीक द्वारा बनाए गए फलक उपकरण निम्नांकित किस भूगर्भीय युग से संबंधित है? तो लेवा तकनीक द्वारा बनाए गए फलक उपकरण संबंधित हैं मध्य प्लिस्टोसीन। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। एनटीए यूजीसी नेट द्वितीय प्रश्न पत्र दिसंबर 2013 का ये प्रश्न है। लेवा तकनीक मध्य पाषाण काल की विशेषता है। इस काल में क्वाजाइट पत्थर के स्थान पर जेस्पर, चार्ट, फ्लिट आदि पत्थर प्रयुक्त होते थे। फलकों की अधिकता के कारण इस काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। फलक एक प्रकार का औजार होता है जिसे पत्थर को तोड़कर बनाया जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं फिर से आपको रिमाइंड कराना चाहूँगी कि मंडे को हम एक लाइव क्लास रखने वाले हैं 4:00 PM। तो आप उसमें जुड़ सकते हैं। और ये क्लास केवल वीकली ही होगी, रोज नहीं हम कर सकते हैं अभी फिलहाल समय अभाव के कारण। तो अगर आप जुड़ना चाहें तो मंडे को लाइव क्लास 4:00 PM पर जुड़ सकते हैं। तो आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। यहाँ पे सूची दी गई है, सूची एक को सूची दो से हमें सम्मिलित करना है। तो चलिए हम सम्मिलित कर लेते हैं फटाफट से। सुहागा घाटी को हम करेंगे, सुहागा घाटी हो जाएगा यहाँ पे ए सी कार्लाइल से। बालाथल को हम करेंगे आहार संस्कृति सांस्कृतिक स्थल से। भीमबेटका ये हो जाएंगे वी एस वाड़कर। और बुर्ज हो कश्मीर नव पाषाणत्र। तो इस तरह से अगर सुमेलित करते हैं तो नीचे देख लेते हैं ए का 4, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। एनटीए यूजीसी नेट द्वितीय प्रश्न पत्र दिसंबर 2013 का प्रश्न। सुहागी घाटी, वी एस कार्लाइल, बालाथल, आहार संस्कृति, भीमबेटका, वी एस वाड़कर और बुर्ज होम कश्मीर नवपाषाण। बुर्ज होम भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में नवपाषाण कालीन स्थल है। यहाँ
पर गर्तावास मतलब गड्ढों वाले घर के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर मानव के साथ कुत्तों के शवाधान के साक्ष्य मिले हैं, मतलब मानव के साथ उनके पालतू पशु कुत्तों को दफनाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सुमेलित करने का प्रश्न आ गया है, तो चलिए सुमेलित करना हम शुरू करते हैं इसे। सबसे पहले दिया है सोन संस्कृति या सोहन संस्कृति, ये किससे संबंधित होगा? ये हो जाएगा निम्न पुरा पाषाण संस्कृति से। नेवासा, नेवासा हो जाएगा मध्य पाषाण संस्कृति से। बागौर, बागौर करेंगे उच्च पुरा पाषाण संस्कृति से। कोल डिहवा नवपाषाण संस्कृति से। यूजीसी नेट तृतीय प्रश्न पत्र 2014 का ये प्रश्न रहा है। एक बार करेक्ट ऑप्शन हम फिर से देख लेते हैं, सोन संस्कृति, निम्न पुरापाषाण संस्कृति, नेवासा, मध्य पुरापाषाण संस्कृति, बागौर, उच्च पुरापाषाण संस्कृति, कोलडिहवा संस्कृति, नवपाषाणिक स्थल संस्कृति से हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, तो निम्नलिखित में से किस ताम्रकालीन स्थल के तांबे के प्रयोग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं किंतु प्रस्तर उपकरण के प्राप्त नहीं हुए हैं, यानी पत्थर के प्राप्त नहीं हुए हैं? आहार हो जाएगा, यहां से तांबे के साक्ष्य मिले हैं लेकिन पत्थर के नहीं मिले हैं। एनटीए यूजीसी नेट तृतीय प्रश्न पत्र जून 2014 का ये प्रश्न है, आहार का प्राचीन नाम तामवती अर्थात तांबे वाली जगह है। ध्यान रखिएगा, प्राचीन नाम भी पूछे जाते हैं, आहार का प्राचीन नाम तामवती है और तामवती मतलब तांबे वाली जगह, क्योंकि यहाँ पत्थर की जगह ज़्यादातर तांबे के औजार मिले हैं। यहाँ के काले लाल मृदभांड भी मिले हैं। कौन से मृदभांड मिले हैं? काले और लाल रंग के मृदभांड मिले हैं जिन्हें सफ़ेद रजिक चित्रों से सजाया गया है। किस क्षेत्र के उत्खनन से पता चलता है कि वहां नवपाषाण कालीन मानव जमीन के में गड्ढा खोदकर रहता था? तो ये सभी को आपको पता होगा, अभी हमने इसे सॉल्व भी किया है। कश्मीर, और द्वितीय प्रश्न पत्र 2014 जून का ये प्रश्न रहा है, कश्मीर क्षेत्र के उत्खनन से पता चलता है कि वहाँ नवपाषाण कालीन मानव जमीन में गड्ढा खोदकर रहता था। इसका साक्ष्य बुर्ज होम से प्राप्त होता है। विदित है कि प्रथम नवपाषाण कालीन स्थल की खोज कश्मीर में हुई थी। नवपाषाण काल की अर्थव्यवस्था का आधारभूत तत्व खाद्य उत्पादन तथा पशुओं को पालतू बनाने की जानकारी है, इनको जानकारी इसकी थी। फ्रेंड्स, कुछ लोगों की मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ, उनको मैं उनसे मैं क्षमा चाहती हूँ। कुछ समय अभाव के कारण मैं सभी कमेंट का उत्तर आपको नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन मेरी कोशिश रहती है आपके कमेंट का जल्दी से जल्दी सोल्यूशन ला सकूँ या रिप्लाई दे सकूँ। तो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2001 में कहाँ पर एक पूरा अश्मीकृत मानव शिशु कपाल प्राप्त हुआ था? ओदे में प्राप्त हुआ था। ओल्ड पेपर हमने सॉल्व किया था, इसमें आपने ये सब सॉल्व कराए हुए क्वेश्चन है। तो एनटीए यूजीसी नेट का जो तृतीय प्रश्न पत्र रहा है 2014 दिसंबर का, उसमें आया हुआ था सन 2001 में केरल विश्वविद्यालय के केपी राजेंद्र को विल्लपुरम जिला के ओडई कहिए या ओदे कहिए एक शिशु का पूरा कपाल मिला है जिसकी तिथि 166,000 वर्ष निर्धारित की गई जो मध्य से उच्च प्लिस्टोसीन काल है।
निम्नलिखित किस स्थल से लघु पाषाणिक संदर्भ में एक हाथी दांत का लटकन प्राप्त हुआ था? ये भी दिसंबर 2014 का प्रश्न है, तो ये प्राप्त हुआ है दमदमा से। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित मध्य पाषाणकालीन स्थल दमदमा से हाथी दांत का लटकन तथा हड्डियों से बने अनेक प्रकार के औजार प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा यहां से 41 मानव शवाधान तथा गर्त चूल्हे प्रकाश में आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पीय युगीन नहीं है? जखेड़ा जो हड़प्पा युगीन नहीं है, पादरी, भिराना, कुंतसी, ये सभी हड़प्पा युगीन स्थल माने जाते हैं। और ये दिसंबर 2014 का प्रश्न रहा है। जखेड़ा को छोड़कर पादरी, भिराना, कुंतसी आदि हड़प्पीय युगीन स्थल हैं। विदित है कि हड़प्पा सभ्यता एक कांसी युगीन सभ्यता थी, जिसे हड़प्पा सभ्यता एक सिंधु घाटी सभ्यता जैसे नामों से जाना जाता है, जिसकी तिथि निर्धारण 23,000 से 1750 ईसा पूर्व किया गया। एटा जिले में स्थित जखेड़ा उत्तर भारत का लौह युगीन पुरा स्थल है। उत्तर भारत के अन्य लौह युगीन स्थलों में अहिछत्र जिसे बरेली कहते हैं, अतरंजी खेड़ा जिसे एटा कहते हैं, हस्तिनापुर जो कि मेरठ है और कौशाम्बी प्रमुख है। झूकर संस्कृति निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुई है? चनहुदड़ो से, एनटीए यूजीसी नेट तृतीय प्रश्न पत्र 2015 जून का प्रश्न है ये। मोहन जोदड़ो के दक्षिण में स्थित चनहुदड़ो नगर की खोज सर्वप्रथम 1934 में एन गोपाल मजुमदार ने की थी तथा 1935 ईस्वी में मैके द्वारा यहां उत्खनन कराया गया। चनहुदड़ो में सैंधुकालीन संस्कृति के अतिरिक्त प्राक सभ्यता संस्कृति, झूकर संस्कृति एवं झाकर संस्कृति के भी अवशेष मिले हैं। तो ये फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, और फिर से कल मिलेंगे इसी तरह के क्वेश्चंस लेके। और इस तरह के क्वेश्चंस आंसर आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुँच सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।